हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, जो कि द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 से 1848 का एक पार्ट है, एक टॉपिक है 3.1 द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। तो देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। बोल रहा है कि नेशनलिज्म सिर्फ वार और टेरिटरी एक्सपेंड करने से नहीं बढ़ा है। नेशनलिज्म का डेवलपमेंट यानी कि नेशनलिज्म का अपने देश के प्रति देशभक्ति की जो फीलिंग थी वो वार और टेरिटरी के एक्सपेंशन से सिर्फ नहीं बढ़ा है, बल्कि कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन। कल्चर ने भी एक अहम, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस नेशनलिज्म के डेवलपमेंट में। तो कल्चर में क्या क्या चीज़ें हैं वो देखिए, आर्ट एंड पोइट्री, आर्ट है और पोइट्री है, स्टोरीज़ है और म्यूज़िक है, ठीक है। ये सब आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज़, म्यूज़िक, इस सब ने भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है नेशनलिज्म के डेवलपमेंट में। तो लेट अस लुक एट रोमांटिसिज्म। अब रोमांटिसिज्म क्या होता है वो देखते हैं। ए कल्चरल मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटीमेंट। क्या है ना कि कल्चर के थ्रू नेशनलिज्म को एक्सपेंड करना, कल्चर के थ्रू नेशनलिज्म को एक्सपेंड करना, उसको डेवलप करना, लोगों के दिल में देशभक्ति पैदा कराना, कल्चर के थ्रू, कल्चर मतलब आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज और म्यूज़िक के थ्रू लोगों के दिल में नेशनलिस्ट का फीलिंग जगाना, देश के प्रति देशभक्ति का फीलिंग जगाना रोमांटिसिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? रोमांटिसिज्म, ठीक है। रोमांटिक आर्टिस्ट कहने का मतलब है वैसे आर्टिस्ट जो कि आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज या म्यूजिक के थ्रू नेशनलिज्म को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। तो रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। तो जो भी उस टाइम टेक्नोलॉजी या साइंस में डेवलपमेंट हो रहा था, ठीक है, उसको ये लोग आर्टिस्ट और पोएट्स लोग जो थे वो क्रिटिसाइज़ करते थे, क्योंकि उन लोगों का बोलना था इतना डेवलपमेंट करके इतनी टेक्नोलॉजी आकर क्या फ़ायदा कि जब हम लोग इंडिपेंडेंट ही नहीं है, आज़ाद ही नहीं है, ठीक है। ये इन लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था। एंड फोकस इंस्टेड ऑन इमोशंस, इंट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। और लोगों के दिल की भावना जो थी, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये लोग बोलते थे इतना टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होने का कोई फ़ायदा नहीं है जब हम लोग आज़ाद ही नहीं है, हम लोग अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, ठीक है। तो लोगों के फीलिंग्स पर, उनके इमोशन पर ये लोग वर्क करते थे, रोमांटिक आर्टिस्ट और पोएट लोग। जैसे कि यहाँ पर देखे एक पिक्चर बनाया हुआ है रोमांटिक आर्टिस्ट के थ्रू, ठीक है। इसमें लोगों की दिखाया जा रहा है कि लोग कैसे मजबूर है, यहाँ क्रूर राजा है और ये लोग बेचारे मजबूर लोग दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग खुद बंधे हुए हैं, ये सब इसमें दिखाया जाता था। जो रोमांटिक आर्टिस्ट लोग रहते थे वो लोग अपने ड्राइंग्स में दिखाते थे। Their effort was to create a sense of a shared collective heritage, a common cultural past as the basis of a nation. तो उन लोगों का मानना था, उन लोगों का जो वो लोग क्या करते थे ना कि अपने देशभक्ति को अपने हेरिटेज से, अपने पास्ट से जोड़ते थे कि हम लोग सब एक ही कल्चर के हैं, हम लोग सब एक ही कल्चर के, ठीक है, ये बोलते थे। इसको अपना बेसिस बनाते थे अपने देश का, अपना धरोहर जो उनके पूर्वज लोग करते आ रहे हैं, जो प्रैक्टिसेस वगैरह, उनका जो कल्चर रहा, गाना। अब कल्चर में क्या क्या चीज़ें हैं वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। अदर रोमांटिक सच एज द जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्रीड हर्डर क्लेम्ड दैट ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड अमॉन्ग द कॉमन पीपल। जो जोहान गॉटफ्रीड हर्डर है उन्होंने कहा कि जो ट्रू जर्मन कल्चर है, एकदम परफेक्ट जर्मन कल्चर है, वो यहाँ के आम लोगों में दिखता है। और वहाँ के जो आम लोग थे जर्मनी के, उनको क्या बोला जाता था? दास वोल्क। क्या? दास वोल्क, ठीक है। इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग्स। अब जो मैंने बोला था ना यहाँ पर कल्चर पास्ट, तो वो कल्चर है सॉन्ग, पोएट्री, डांसेस, ठीक है, ये सब है हमारा कल्चर। तो लोकगीत, लोक कथा, लोक पोएट्री, फोक डांसेस। फोक मतलब लोक होता है, यानी कि लोगों का, जो नॉर्मल वहाँ के कॉमन ऑर्डिनरी लोग हैं उनका, ठीक है। दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन वॉज पॉपुलराइज। तो इन्हीं के जरिए नेशनलिज्म को आगे बढ़ाया गया। सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दिस फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर वॉज इसेंशियल टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। और नेशन बिल्डिंग में इन्हीं सबको बेस बनाया गया कि हम लोग का ये पहले से, हमारे पूर्वज लोग का
जो सॉन्ग है एक ही है, हमारा पोएट्री भी शुरू से चला आ रहा है, डांसेस, ठीक है। द इम्फेसिस ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर वॉज नॉट जस्ट टू रिकवर एन एंशियंट नेशनल स्पिरिट बट ऑल्सो टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू लार्ज ऑडियंसेज हु वर मोस्टली इलिटरेट। अब क्या है कि आप किसी एरिया में गए तो वहाँ के लोग वहीं का लैंग्वेज समझेंगे ना, और इधर उधर दूसरे जगह का तो लैंग्वेज नहीं समझेंगे, तो इसीलिए वर्नाकुलर लैंग्वेज यूज़ किया जाता था, यानी कि वहाँ के कॉमन लोग जो लैंग्वेज बोलते थे उसी लैंग्वेज को यूज़ किया जाता था, ताकि जो नेशनलिस्ट है, जो लोग हैं जो नेशनलिज्म को मानते हैं, वो अपने मैसेज को आगे की जनता जो है उस तक आराम से पहुँचा सके, ठीक है, उस तक आराम से पहुँचा सके, इसलिए वो लोग वर्नाकुलर लैंग्वेज यूज़ करते थे। एक तो कारण था कि वो लोग अपना दिखाते थे कि हम भी इसी सभ्यता के जिस सभ्यता के आप लोग हैं, और दूसरा वो लोग अपना कम्युनिकेशन को बेटर बनाने के लिए, लोगों तक अपने ज़्यादा से ज़्यादा बात पहुंचाने के लिए यूज़ करते थे। दिस वाज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड, और यही हुआ पोलैंड के केस में, ये जो वर्नाकुलर लैंग्वेज का मामला था यही पोलैंड के केस में भी हुआ, यहाँ भी लैंग्वेज का ही मसला हुआ था। पोलैंड क्या था कि 18th सेंचुरी के टाइम रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया इन तीनों के पार्ट में आया करता था पोलैंड, ठीक है, ग्रेट पावर्स ये लोग हैं, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, तो इन तीनों के पार्ट में पोलैंड आता था। लेकिन इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, तो क्या था कि इन तीनों के पार्ट में आता था, तो स्ट्रगल करके उसने पार्टीशन कर लिया था, यानी कि अलग हो गया था, लेकिन काफ़ी टाइम तक ये अलग नहीं रह सका। नेशनल फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज, ठीक है, तो काफ़ी टाइम तक ये पोलैंड अलग नहीं रह सका, यानी कि आज़ाद नहीं रह सका, लेकिन जो लोगों के दिल में देशभक्ति थी वो हमेशा जिंदा रही म्यूजिक और लैंग्वेज के थ्रू। कैरोल कुरपिंस्की सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपराज एंड म्यूजिक, तो एक है कैरोल कुरपिंस्की, ये अपना गाना गागा कर अपने जो नेशनल स्ट्रगल, इन्होंने जो स्ट्रगल करके इन लोगों ने, जो इनके पूर्वज ने, इन सब ने मिलकर जो स्ट्रगल करके पोलैंड को इंडिपेंडेंट कराया था, तो उसको ये लोग म्यूज़िक के थ्रू, डांस के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू, ड्रामा के थ्रू, ठीक है, इन सब के थ्रू ये लोग अपने उस स्ट्रगल को याद करते थे, एंजॉय करते थे। लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स, तो लैंग्वेज के ज़रिए भी हम लोग नेशनलिज्म को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अगर हम वर्नाकुलर लैंग्वेज में बात करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी बातों को समझेंगे। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पोलिश लैंग्वेज वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स एंड द रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड एवरीवेयर, तो क्या हुआ था ना कि जब रशिया का, जो मैंने आपको दिखाया कि ये जो पोलैंड था रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया का पार्ट था, तो लार्जली पार्ट रशिया का था, ठीक है, तो क्या किया गया था कि रशिया ने, मतलब जो भी पोलैंड के लोग थे, जो भी पोलैंड के लोग काम करते थे उनको हटा दिया गया था, ठीक है, उनको बेरोजगार कर दिया गया था, और रशियन ऑक्यूपेशन को हर जगह फैला दिया गया था। तो क्या हुआ था कि ऑक्यूपेशन तो फैला दिया, उसके बाद क्या किया गया कि जो स्कूल वगैरह में और बाकी जो जगह पोलिश लैंग्वेज यूज़ किया जाता था पोलैंड में, अब उसको हटा दिया गया और रशियन लैंग्वेज को वहाँ पर ला दिया गया था। इन 1831 एन आर्म्ड रेबेलियन अगेंस्ट रशियन रूल टूक प्लेस विच वॉज अल्टीमेटली क्रश्ड, तो इसी सब गुस्से में आकर जो पोलिश लोग थे, जो पोलैंड के लोग थे, उन्होंने 1831 में इसके अगेंस्ट, रशियन रूल के अगेंस्ट एक युद्ध छेड़ दिया, ठीक है, एक विरोध कर दिया जिसमें वो लोग अनसक्सेसफुल रहे। फॉलोइंग दिस मेनी मेंबर्स ऑफ द कलर्गी इन पोलैंड बिगेन टू यूज लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस, तो लोगों ने देखा जो पोलिश में लोग थे कलर्गी लेवल के, ठीक है, कलर्गी स्टेट के, तो उन लोगों ने देखा कि लैंग्वेज जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो भी एक इम्पोर्टेंस रख रहा है हमारे स्ट्रगल में, तो इन्होंने भी अब उसको, लैंग्वेज को यूज़ करने लगे अपने वेपन्स के तौर पर। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने चर्च में और जितने भी रिलीजियस जगह थे, ठीक है, जितने भी रिलीजियस जगह, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन थे, उन सब में पोलिश लैंग्वेज यूज़ करने लगे। जो क्लर्गी लोग थे उन लोगों ने देखा कि लैंग्वेज काफ़ी अच्छा हथियार है नेशनलिज्म के लिए, यानी कि नेशनलिज्म फैलाने के लिए लैंग्वेज काफ़ी अच्छा हथियार है, तो इन्होंने पोलिश लैंग्वेज चर्च और जितने भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन थे उन सब में यूज़ करना शुरू कर दिया। लेकिन क्या हुआ कि जब इन लोगों ने ऐसा करना शुरू किया तो रशियन अथॉरिटीज़ ने उन सब को, जो प्रीस्ट लोग थे, जो बिशप लोग थे, उन सब को जेल में डाल दिया और साइबेरिया भेज दिया, ठीक है, जो इन्होंने लैंग्वेज को यूज़ करने लगा था चर्च गैदरिंग में, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में, तो इस वजह से इन लोगों को उठाकर जेल में डाल दिया गया।
और उसके बाद से जो पोलिश लैंग्वेज था उसको नेशनल सिंबल बना दिया गया स्ट्रगल के लिए, यानी कि जो रशियन डोमिनेंस के अगेंस्ट जो स्ट्रगल चल रहा था तो उसमें बेस बना दिया गया इस लैंग्वेज को, पोलिश लैंग्वेज को, ठीक है, पोलिश लैंग्वेज को एक बेस बना, जैसे हमारा क्या है कि स्ट्रगल में हमारा नेशनल फ्लैग हमारा था, ठीक है, तो यहाँ स्ट्रगल में पोलिश लैंग्वेज को सिंबल बनाया गया, ठीक है। तो ये था हमारा द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। रोमांटिक इमेजिनेशन मतलब कल्चर, म्यूजिक, सॉन्ग, पोएट्री, डांस, आर्ट, स्टोरीज, ये सब, ठीक है। और नेशनल फीलिंग मतलब इससे कनेक्टेड, कल्चर से कनेक्टेड नेशनल फीलिंग, नेशनलिज्म, ठीक है। तो ये था आपका, इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देखा था, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, या आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर उसका वीडियो देख सकते हैं इसके बाकी के चैप्टर का, सॉरी टॉपिक्स का। तो ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोग वीडियो मिस ना करें, ठीक है, बाय।